हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अब हम स्टार्ट करें 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पास के ओ केंद्र वाले वृत्त के चित्र में ओ पी ए बी पर लंब है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, पी सी 2 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये ज्ञात करना है। ठीक है, रेडियस क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, मैंने यहाँ पर नीचे एक आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा करके क्लियर बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि पी सी का वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर है और ए बी जो है वो कुल मिलाकर के 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ओ पी ओ पी ओ पी जो है वो ए बी पर लंब है। तो यहाँ पे क्या है कि ओ पी क्या है, ए बी पर लंब है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको पता है कि ओ पी लाइन क्या करेगा, ओ पी लाइन क्या करेगा, ए बी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, यानी कि ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी अगर मैं लूँ, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का आधा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये पता चला, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, तो ए पी हो जाएगा क्या, 3 सेंटीमीटर। तो ए पी हो गया 3 सेंटीमीटर का। और ये तो पी सी जो है वो क्या है, वो 2 सेंटीमीटर है ही। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम त्रिभुज ए पी ओ में ओ ए को मिला देते हैं। चलिए, तो त्रिभुज ए पी ओ में हमने क्या किया, ए ओ को मिलाया। अब मिलाने के बाद देख रहे हैं कि ए पी ओ जो ये त्रिभुज है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ओ ए क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अगर हम ओ ए का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि ए पी, ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होगा हमारे लिए फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो देखते जाते हैं। ए पी का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, चलिए 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। ओ पी का वैल्यू हमारे पास नहीं पता है, लेकिन हमें पता है क्या, पी सी का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ओ सी और ओ ए दोनों क्या है, दोनों एक ही जैसे हैं और दोनों ही केंद्र से लेकर के परिधि तक खींचा गया लाइन है, जिसे हम अर्धव्यास कहते हैं। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ओ ए और ओ सी दोनों ही, दोनों अर्धव्यास हैं, अर्धव्यास हैं, और इसीलिए क्या होगा कि ओ ए बराबर ओ सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओ पी। अब ओ पी का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं इसको, अगर कि ओ सी बोलें तो ओ सी मतलब क्या है, ओ पी प्लस पी सी, ऐसा है। अच्छा, ओ पी प्लस पी सी कुल मिलाकर के ओ सी हो गया। हमें क्या चाहिए, ओ पी चाहिए, यानी कि ओ सी माइनस पी सी बराबर ओ पी। ओके, तो यानी ओ पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी माइनस पी सी। ठीक है, ओ पी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, हम ओ सी माइनस पी सी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर, जिसका वैल्यू हमें अभी तक नहीं पता है। ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि ओ सी और ओ ए दोनों बराबर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से चेंज कर लेते, तो ये हो गया 9 9 प्लस ओ सी को हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे ओ ए लिख देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, आगे सॉल्व करने में आसान होगा। माइनस पी सी, पी सी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, इसका स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ साइड में लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि ओ सी बराबर ओ ए है। ओके, अब यहाँ पे 9 प्लस ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि ओ ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ओ ए इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करना अगर स्टार्ट करें तो ओ ए को लेके चले जाते हैं उस तरफ, तो यहाँ आ गया 9 और माइनस 2 दूनी 4 ओ ए, और यहाँ पे प्लस 4 बराबर ओ ए स्क्वायर
और ये चला जाएगा इधर, तो माइनस ओ ए स्क्वायर ख़त्म। तो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये गया ये गया, दोनों ख़त्म, यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ पे 9 4 कितना हो गया, 13, माइनस 4 OA बराबर 0। ठीक है, अब 4 OA को इस तरफ लेके गए तो 13 इक्वल टू प्लस हो गया, यानी कि 4 OA। अब हमें क्या चाहिए, OA का वैल्यू चाहिए, तो OA क्या होगा, 13/4 इक्वल टू OA। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 1, फिर 0.04 × 8, 2 0 4 5 20 इक्वल टू OA, यानी कि OA बराबर क्या हो गया, 3.25 सेंटीमीटर। तो इसीलिए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 3.525 सेंटीमीटर। तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 3.25 सेंटीमीटर, और यही हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखा हमने कितने आसानी से अपने छोटे से दिमाग के ट्रिक को इस्तेमाल करके हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप इसको इतने ही आराम से कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।